असलम स्टूडेंट्स आज हम जी के पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए ठीक है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इसका कंटेंट ओपन करिए आपको सिलेबस दिखाते हैं आपके हाफिले का सिलेबस क्या है तो कंटेंट ओपन कर लिए जैसा कि हमने पी ए फर्स्ट का तो पहले ही आपको बता दिया था चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर सेवनटीन तक जो कि आप जिसका टेस्ट भी दे चुके हैं ठीक है ये आप टेस्ट में भी दे चुके हैं तो अब आपको ये हाफ हाफिली के सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर मैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ कि आपको याद रहे ठीक है यहाँ पर आप भी कट कर लिए ये वन से लेकर चैप्टर नंबर वन टू चैप्टर नंबर सेवनटीन ये आपको नहीं पढ़ने फोबियाज तक हमने पढ़ाया था पी ए फर्स्ट के सिलेबस में और पी ए फर्स्ट का आपने टेस्ट भी दे दिया है तो ये अब आपको नहीं पढ़ना है अब आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर एट्टीन से लेकर चैप्टर नंबर 18 से हमारा 22 तक पार्ट फाइव में ठीक है फिर 23 से 27 तक पार्ट सिक्स में और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट ऊपर 28 से पेज चैप्टर नंबर 32 तक पार्ट सेवन यानी अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 18 से टोटल चैप्टर नंबर 32 तक हमारा हाफ इली का सिलेबस है ठीक है यहाँ पर आप लिख लिए एच यानी ये हाफ इली का सिलेबस है ये पूरा ठीक है अभी मैं और लिखवाता हूँ सही से ये हमारा हाफ का सिलेबस हो गया अब यहाँ पर आप पूरा ऐसे करके लिख लिए ये हमारा क्या है ये हमारा सब हाफ ए का सिलेबस है यहाँ से पूरा चैप्टर नंबर 18 से 17 तक हमारा पीए फर्स्ट में आया था तो वो आपको तैयार नहीं करना है वो अब नहीं पढ़ना है ठीक है यहाँ लिख लिए चाहे आप ठीक है यहाँ पर आप लिख लिए हाफ एल्ली आपका हाफ ए का सिलेबस हो गया ठीक है आप इस पर यहाँ पर भी लिख लिए और चैप्टर नंबर 18 से 27 सेवन यहाँ तक और नेक्स्ट मतलब टोटल जो है 18 से हमारा 32 तक है तो यहाँ पर 27 तक उसके बाद यहाँ पर ऊपर ये आया हमारा यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू 32 तक ये हो गया हमारा हाफ़ एरली का सिलेबस ठीक है तो आप यहाँ पर लिख लिए ये हमारा हो गया हाफ एयली ठीक है तो ये हमारा हाफ़िली का सिलेबस हो गया अब यही सिर्फ आपको पढ़ना है हाफ़िली एग्ज़ाम के लिए आपने जो चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर सेवनटीन तक पी ए फर्स्ट में पढ़ा था ये आपका टेस्ट में आ चुका है और ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना है आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए कहाँ से पढ़ना है चैप्टर नंबर 18 से लेकर चैप्टर नंबर 32 तक कहाँ से चैप्टर नंबर 18 से लेकर पूरा 27 तक और इधर फिर 28 से 32 तक यानी टोटल हमारे कितने चैप्टर हैं हमारे टोटल चैप्टर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड हेयर एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पूरे पंद्रह चैप्टर हैं आपके सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ने हैं ठीक है पंद्रह चैप्टर ज़्यादा नहीं है सब एक एक पेज के चैप्टर होते हैं तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज है हमारा पार्ट फाइव फिर नेक्स्ट टाइम हम पार्ट सिक्स पढ़ेंगे फिर उसके नेक्स्ट पार्ट सेवन तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट फाइव आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस पर आप टेक कर लीजिए चैप्टर नंबर एटीन से स्टार्ट होगा एब्रीविएशन्स पेज नंबर ट्वेंटी फोर ओपन कर लिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पेज नंबर ट्वेंटी फोर एब्रीविएशन्स एवरीविएशंस क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले ये बताइए एब्रीविएशन क्या होते हैं मालूम है तो अच्छी बात है नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ एवरीविएशंस क्या होता है किसी वर्ड का या किसी फ्रेज को मतलब किसी सेंटेंस को क्या कर देना छोटा कर देना शॉर्ट फॉर्म में लिख देना उसे हम क्या कहते हैं एवरीविएशंस क्या कहते हैं एवरीविएशंस ठीक है तो किसी वर्ड को किसी सेंटेंस को अगर मैं या किसी फ्रेज़ को छोटा करके उसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो उसे हम क्या कहते हैं एब्रीवेशन्स जैसे यहाँ पर है कुछ गिव द फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीवेशन्स कि हमारे एब्रीवेशन्स दिए शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं हमें क्या करनी है इनकी फुल फॉर्म लिखनी है तो पहला क्या है हमारा आई एम एफ़ फर्स्ट क्या है हमारा आई एम एफ अब ये आई एम एफ जो है ये शॉर्ट फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म जो बना दी जाती हैं वो सभी के लिए वही शॉर्ट फॉर्म होती है जैसे हम लोग अपने स्कूल का नाम लेते हैं तो हम जैसे आपके स्कूल का नाम है प्रिंस पब्लिक स्कूल तो आप क्या कहेंगे पी पी एस ठीक है प्रिंस पब्लिक स्कूल ऐसे ही कहते हैं ना हम शॉर्ट फॉर्म बताते हैं कि हम पी पी एस में पढ़ते हैं पी पी एस पब्लिक स्कूल यानी प्रिंस पब्लिक स्कूल ठीक है यही तो बताते हैं हम या अगर कोई अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में तो बताता है ए पी एस ठीक है और ऐसे ही हर कोई अपने अपने स्कूल की शॉर्ट फॉर्म बताता है और वो शॉर्ट फॉर्म इंसान को याद हो जाती हैं ठीक है थीके? इसी वजह से इसी तरह से हमारे एब्रीविएशन बनाए जाते हैं कुछ बड़े बड़े टर्म्स को याद रखने के लिए अब जैसे यहाँ पर है आई एम एफ आई एम एफ इंसान को याद रहेगा ईजिली अब वो उसे आई एम एफ याद रहेगा तो उसे फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि आई एम एफ का मतलब क्या है आई एम एफ क्या कह रहा है तो आई एम एफ किसकी फुल इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इंटरनेशनल मोनिट्री फंड इंटरनेशनल मोनिट्री फंड ठीक है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शॉर्ट फॉर्म है ये आईएमएफ। अब क्या होता है एब्रीवेशन से इंसान को ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स इंसान को इजीली याद आते हैं इसलिए ऐसे वर्ड इंसान बनाता है फिर दूसरा है हमारा जीएमटी। तो जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है ग्रीन विच मीन टाइम ठीक है क्या नाम है ग्रीन विच मीन टाइम आपने ये एस में सुना होगा ग्रीन विच मीन टाइम क्या होता है ठीक है एस अगर आपने पढ़ी होगी जोग्राफी में जियोग्राफी में ठीक है हिस्ट्री सिक्स हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी जो होता है ना आपका सिक्स से स्टार्ट होता है तो सिक्स सेवन्थ एट वाले बच्चों ने पढ़ा होगा ये एवरीवेशन इसमें जी एम टी की फुल फॉर्म क्या होती है यानी ग्रीन विच टाइम क्या होता है उसके बाद आया ए जी मार्क यानी ए जी एम ए आर के तो ज़रूरी नहीं है शॉर्ट फॉर्म सिर्फ पहले वर्ड से ही बनाई जाएँ अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है ए जी एग्रीकल्चरल ए जी ले लिया है इन्होंने शुरू का और मार्केटिंग का ले लिया है इन्होंने मार्क ठीक है तो शॉर्ट फॉर्म ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक एक वर्ड से मिलाकर बनाई जाए ठीक है कुछ शॉर्ट फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट डिफरें, उसके एक वर्ड से ज़्यादा भी वर्ड ले, ले लेते हैं दो वर्ड तीन वर्ड इस तरह से जैसे यहाँ पर ए जी एम ए आर के का यानी एगमार्क लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या हो हमारी ए जी से हो गई हमारी एग्रीकल्चर मार्क्स से हो गई हमारी मार्केटिंग ठीक है ये है हमारी फुल फॉर्म फिर आया हमारा एस ए ए आर सी तो इसकी फुल फॉर्म क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन क्या है फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन फिर आया हमारा यू एन यू एन तो आपको याद ही होगी यूनाइटेड नेशन ये तो हर किसी को याद रहती है यू एन एन सी आर टी ये भी आपको याद होगी गया एन सी आर टी की बुक चलती है ठीक है एन सी आर टी क्या है पैटर्न है तो आपने देखा होगा एन बुक्स देखी होंगी स्कूलों में ठीक है एन बोर्ड सुना होगा तो ये बोर्ड है इस पर बेस्ड हमारी बुक्स भी होती हैं तो ये भी आपको याद ही होगी एन की फुल फॉर्म ज़्यादातर बच्चों को पता ही रहती है जो एन बुक पढ़ता होगा या जिसका एन बोर्ड होगा क्या है इसकी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या है नेशनल काउंसिल ऑफ अब ऑफ़ और ये ऑफ जो वर्ड है इसकी ये अपने आप ऐड किया जाता है ठीक है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फिर आया हमारा नासा नासा आपने सुना होगा कि नासा में साइंटिस्ट काम करते हैं नासा में ये होता है वो होता है आपने कई बार सुना होगा तो नासा जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है नासा जब वर्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है नेशनल एरोनॉटिक एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारी नासा की क्या है फुल फॉर्म है फिर आया हमारा एड्स एड्स ये एक बीमारी होती है ठीक है काफ़ी ख़तरनाक बीमारी होती है ये समझ ली इससे बचना तो मुश्किल ही होता है एक बार हो जाती है तो इंसान मर जा मर ही जाता है इसका कोई इलाज नहीं है एड्स आप इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे भी कि ये कैसी बीमारी है क्यों होती है तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंशी सिंड्रोम क्या नाम है इसका फुल फॉर्म क्या है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ठीक है ये इम्यून सिस्टम को हमारा जो ये समझ लिए इम्यून सिस्टम ही सारी बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो हम हमें बीमारी नहीं होगी ठीक है फ़ाइट करने में हमारा इम्यून सिस्टम मदद करता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कोई बीमारी कोई भी अगर छोटी से छोटे नज़ला भी आ जाएगा ना तो वो जल्दी जाएगा नहीं क्यों इम्यून सिस्टम हमारा बर्बाद हो जाएगा अगर तो फिर कौन फ़ाइट करेगा बीमारियों से तो ये क्या करता है इस बीमारी में इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है और ये समझ लीजिए एक बीमारी एड्स बीमारी होते ही इंसान को हज़ारों बीमारी उसके साथ आ जाती हैं क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम ख़राब होता जाता है इंसान बीमारी से लड़ नहीं पाता है और कोई भी बीमारी अगर हल्की भी उससे अटैच होती है तो ये समझ लीजिए फौरन के फौरन वो बीमारी लगती रहती है अगर हम लोग हैं नॉर्मल लोग हैं हमें बीमारी आती रहती है हमारे जो इम्यून सिस्टम है हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये प्लेटलेट्स है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये फाइट करते रहते हैं उन्हें आने नहीं देते हैं हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं तो हर वक्त हमारा इम्यून सिस्टम काम करता रहता है जैसे एड्स होती है उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल खराब होता है तो ये समझ लीजिए हर ये कह सकते हैं हर घंटे हर दिन उसे कोई ना कोई बीमारी आती रहेगी ठीक है बिल्कुल ये समझ लिए कि मर ही जाता है इंसान उसमें बचना इम्पॉसिबल अभी कोई इसके इलाज नहीं है फिर आया यूनिसेफ यूनिसेफ पढ़ लिए या यू एन आई सी ई एफ अलग अलग पढ़ लिए है तो शॉर्ट फॉर्म ई इसका क्या है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड ये क्या है पूरा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फ़ंड है बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा किया जाता है ये ठीक है बच्चों के लिए ये फ़ंड इकट्ठा किया जाता है जैसे इलाज इलाज में पैसा लगाना है बच्चा है कोई नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए ये फ़ंड इकट्ठा किया जाता है पूरा नेश इंटरनेशनल फ़ंड है हर जगह होता है ये खाली इंडिया में या खाली अमेरिका में नहीं पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल आ गया ना ये पूरे इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फ़ंड है ये उनके लिए ये फ़ंड इकट्ठा किया जाता है ठीक है फ़ंड कहते हैं चंदा के लिए मतलब फ़ंड दिया जाता है ठीक है आर एस वी पी आर एस वी पी आपने बहुत बार कार्ड पे देखा होगा और शॉर्ट फॉर्म और इसकी फुल फॉर्म ढूंढनी भी होगी और अलग अलग सी फुल फॉर्म बताते भी हैं बच्चे कि इसकी ये है इसकी ये है मजाक वाली फुल फॉर्म बताते हैं तो आर एस वी पी की आज फुल फॉर्म देख ली इसकी फुल फॉर्म है रिस्पॉन्डीज रिल वॉस प्लेट ठीक है फुल फॉर्म क्या है इसकी रिस्पॉन्डीज रिल वॉस प्लेट फिर आया हमारा आई पी सी आई पी सी की फुलफाम है इंडियन पैनल कोड ठीक है आई पी सी की फुल फॉर्म क्या है इंडियन पैनल कोड ऐसे ही एक होता है हमारा आई पी एस इंडियन ठीक है आई पी एस आपने सुना होगा और हमारा आई ए एस और ऐसी बहुत सारी ऐसी हमारी पोस्ट हैं उनकी फुल शॉर्ट फॉर्म हम हमें याद रहती हैं और जैसे ऐसे बहुत सारे जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं आई पी एल तो आई पी एल इंडियन प्रीमियर लीग ऐसे हम क्या करते हैं एब्रीविएशन्स याद रखते हैं अब बच्चों को पता होगा आई पी एल उनकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी क्यों क्योंकि आई पी एल याद रखना आसान है मगर हमें उसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए फिर आया हमारा आई एस डी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग आई एस डी की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग ठीक है फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं पेज नंबर ट्वेंटी फाइव ओपन कर लिए वोकबलेरी क्या है वोकेबलरी एनरिचमेंट वोकेबले क्या होता है अगर हम वॉक्यबलरी की बात करें वो सारे वर्ड क्या वोकेबले क्या वो सारे वर्ड जो कि आपको पता हो वो आपके लिए आपके लिए वो नॉलेज मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको इतने वर्ष की नॉलेज है तो आपकी वॉक्यबलरी उतने ही तक है और जैसे कोई कोई और है वो शब्द आप वो इंसान आपसे ज़्यादा जानता है शब्दों के बारे में ठीक है उसके पास शब्द के शब्द की ज़्यादा नॉलेज है यानी उसकी वॉक्यबलरी ज़्यादा अच्छी है आपसे तो वॉक्यबलरी इनरिचमेंट आप ये पूछ रहे हैं अब आपको देखते हैं कि वॉक्यबलरी के बारे में आपकी वॉक्यबलरी कितनी अच्छी है आपको अलग अलग शब्दों के बारे में कितना पता है तो कुछ ऐसे नए नए शब्दों के बारे में यहाँ पर इन्होंने पूछा है ठीक है वैसे हम नॉर्मल अगर वॉक्यबलरी का मतलब बताएं तो शब्द भंडार ठीक है वर्ड का पूरा भंडार पूरा कलेक्शन कलेक्शन ऑफ सारे कलेक्शन ऑफ ऑल वर्ड्स उन्हें हम कहते हैं वोकबलरी ठीक है ऑल द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज किसी लैंग्वेज में जितने भी वर्ड होते हैं ठीक है मैन एनिमल टाइगर फीड डेट ऑन इट जो भी है वर्ड वर्ड कैसे कहते हैं हम दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट मिला के क्या बनते हैं वर्ड बनते हैं जैसे मैंने ए लिया और एन लिया तो क्या बन गया एन ठीक है ओ लिया और एन मिला दिया तो क्या बन गया ऑन तो हमारा क्या बन गया अल्फाबेट को मिला के हमने वर्ड बनाती है तो इन सारे वर्ड्स को जो कि हम लैंग्वेज में सारे जितने भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में जितने भी वर्ड आते हैं उसे हम क्या कहते हैं वॉकबलरी ठीक है वन हु इज एवरीवेयर वर्ड हैविंग दैट देयर दिस ये सारे क्या है हमारा ये सब वर्ड है और ये सब क्या होता है सब वॉकबलरी में आता है अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा टेक द राइट टर्म विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन गेपिन बिलो ये कह रहे हैं अब ये इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ लाइन दी एक लाइन दी है कुछ थोड़ा सा बताया उसके बारे में उसे पढ़कर आप जो है उसके बारे में बताइए उस वर्ड के बारे में जैसे पहला क्या है मैन और एनिमल दैट फीड ऑन इट्स स्पेशीज़ वो जानवर या आदमी वो जानवर या, वो आदमी या जानवर जो कि अपने ही स्पेशीज़ को खा जाता है अपने ही स्पेशीज़ पर डिपेंड करता है मतलब उसी पर ही फीड करता है उसी को ही खा जाता है उसे हम क्या कहते हैं आपने कई बार सुना होगा तो आपने कई बार सुना होगा नरभक्षी सुना होगा आपने ठीक है सुना होगा नरभक्ष नरभक्ष होते हैं क्या होते हैं वो नरभक्ष यानी जो अपने ही लोगों को खा जाते हैं आदमखोर ठीक है आ पर्सन हु ईट अदर पीपल वो आदमी जो दूसरे इंसान को खा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं कैनिमल क्या कहते हैं कैनिबल ऐसे आदमी ऐसे जानवर जो अपने ही परिवार से अपने ही स्पेशीज़ से लोग को खा जाते हैं नॉट परिवार परिवार से नहीं जैसे हम हम लोग हैं हम लोग अपने परिवार से नहीं खाएंगे हम तो दूसरे इंसान को भी नहीं खाएंगे ठीक है हम लोग दूसरे जानवर को खा रहे हैं वो हमारी स्पेशीज़ में नहीं है स्पेशीज़ उनकी अलग हो गई वो एनिमल हो गए हम क्या हो गए हम इंसान हो गए वैसे आगे आप जाके पढ़ेंगे तो स्पेशीज और ये सब सब मैं ह्यूमन बीइंग सब एक ही जी में आ जाते हैं एनिमल्स में आ जाते हैं जब बायो पढ़ेंगे आप नाइन टेंथ में तब सब पढ़ेंगे मगर अगर जैसे कि मैं कह रहा हूँ जैसे कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं कि जंगल में लोग बाग घूमने गए और वहाँ पर बड़े बड़े आदमी मिले तो वो आदमी क्या करते हैं उन लोगों को ही काट के खा जाते हैं तो जंगली आदमी जिन्हें हम कहते हैं वो लोग क्या करते हैं उन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि ये भी इंसान है हम भी इंसान हैं उन्हें बस इतना पता होता है ये हमसे अलग है हम इन्हें खा जाएंगे ठीक है जिन्हें आदमखोर कहते हैं इंसान को खा जाते हैं तो वो उन्हें क्या कहते हैं हम कैनिबल ठीक है कैनिबल ऐसे जानवर होते हैं या ऐसे आदमी होते हैं जो अपने ही जैसे वो जानवर जो दूसरे जानवर को खा जाए वो कैनिबल हो गया और अपनी ही स्पेशीज से मतलब अपनी ही फैमिली से फैमिली का मतलब ये नहीं अपने माँ बाप मतलब उन जैसे जैसे इंसान इंसान के लोगों को इंसान को खा गया है तो वो कैनिबल हो गया जानवर अब जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो अपनी ही फैमिली के अपनी ही स्पेशीज के जानवरों को खा जाते हैं ठीक है अब टाइगर है वो तो शिकार करता है तो वो दूसरे स्पेशीज को खाता है वो भेड़ बकरी इन सबको खाता है अगर टाइगर टाइगर को खाता तो वो भी कैनिबल हो जाता समझ गए होंगे अब आप ठीक है दूसरा क्या है वन हु इज़ ऑल पावरफुल वो इंसान सॉरी नॉट इंसान इंसान तो होगा ही नहीं ठीक है यहाँ पर सुपर पावर की बात आ रही है वो जो खाली वही खाली अकेला पावरफुल हो मतलब ओमनी पोटें ओमनी पोटेंथ कहते हैं उन्हें अब ओमनी पोटेंट किसे कहते हैं ये मैं आपको अच्छे से बताता हूँ वैसे इसका आंसर तो ओमनी पोटेंस है पहले वाला कैनिबल था ठीक है और इसका है ओमनी पोटेंथ तो ओमनी पोटेंट किसे कहते हैं मैं इसे बताता हूँ ओमनी पोटेंथ उसे कहते हैं जिस जिसे हर चीज़ की नॉलेज हो वो हर कुछ कर सकता हो हर कुछ हर चीज़ उसके अंडर में हो मतलब उसका राज हो हर चीज़ में उसके जैसा कोई ना हो मतलब अगर सीधे सीधे हम बात करें तो ये गॉड की बात हो रही है ओमनीपोटेंट कौन होते हैं हमारे गॉड हमारा गॉड ठीक है खुदा भगवान क्योंकि वही एक ऐसी पावरफुल चीज़ है वही एक ऐसा है जिसके पास सारी पावरफुल है वही पूरा अकेला ताकतवर है हम लोग क्या हैं हम लोग तो उनके प्यादे हैं हम लोग तो उनके हुक्म का पालन करते हैं ठीक है थीके? हम लोग तो अपने गॉड का पालन करते हैं वरना सारी पावरफुल जो सारी पा, पावर है पूरी ताकत है वो क्या है ऊपर वाला ही है सारी चीज़ें वही चला रहा है तो वो क्या हो गया ओमनी हो गया नॉर्मल इंसान तो ओमनी हो नहीं सकता कोई एक ऐसा ऐसा आदमी तो है नहीं कि जिसे हर चीज़ पर काबू हो जमीन धरती आसमान जो भी है ठीक है इंसान तो हो नहीं सकता तो गॉड की बात हो रही है थर्ड है हमारा वन हु इज़ प्रजेंट एवरीवेयर वो जो हर जगह मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं ओमनी ओमनी प्रजेंट ठीक है ओम्नी पिर्णेंट, ओम्नी पिर्णेंट, जो हर जगह मौजूद मौजूद हो और ये भी हमारे गॉड ही हो सकते हैं कि गॉड ही के लिए कहा जाता है कि हमारा गॉड हर जगह मौजूद है ठीक है चाहे वैसे दिखाई ना दें मगर हर जगह मौजूद है हमारा गॉड हमारी हमेशा सहायता के लिए तो वो क्या हो गए ओमनी प्रजेंट जो हर जगह मौजूद हो इंसान तो हर जगह मौजूद हो नहीं सकते चलिए एक बार को एयर की बात करूँ हवा की तो हवा भी कुछ ऐसी ऐसी जगह बना सकते हैं जैसे वैक्यूम होता है वहाँ पर एयर निकाल दी जाती है तो वहाँ पर एयर भी नहीं रहती तो ऐसी जगह ऐसी चीज ऐसी जगह जहाँ जो मतलब वो चीज़ जो हर जगह मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं ओमनी प्रजेंट फिर आया हमारा वर्ड आ, फोर्थ वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग एंड द सेम प्रशन बट हैव डिफरेंट मीनिंग वो वर्ड जिनका सेम स्पेलिंग होती है और प्रोनन्शन मतलब बोलने पर भी सेम होते हैं अगर हम उन्हें बोले भी उन्हें स्पेल उनके वर्ड को पढ़ें भी तो क्या होगा सुनने में भी, भी ऐसा लगेगा कि वर्ड सेम हैं और स्पेलिंग्स भी उनकी सेम होगी बस उनके मीनिंग अलग होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं होमो निम्स. क्या कहते हैं हम आपने सिनोनिम्स सुना होगा एंटोनिम्स सुना होगा सिनोनिम्स क्या होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है जैसे लार्ज और बिग मैंने कहा बिग मतलब भी बड़ा लार्ज मतलब भी बड़ा तो वो क्या होगा हमारा सिनोनिम्स हो गया ऐसे फिर एक होता है एंटोनिम्स तो मैं कह रहा हूँ लार्ज स्मॉल तो लार्ज का उल्टा क्या हो गया स्मॉल छोटा बड़ा तो ये हो गया हमारा एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड अब ऐसे एक होता है होमोनिम्स होमोनिम्स क्या होते हैं स्पेलिंग भी सेम होती है वर्ड पढ़ने में भी सेम लगता है बस उनके मतलब अलग होते हैं जैसे एक होता है बैंक बी ए एन के एन के बैंक बैंक हमारा क्या होता है हमारा जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं वो होता है बैंक और वही बी ए जैसे एक हो गया बैंक बी ए एन के बैंक और एक हो गया फिर बैंक बी एन के बैंक अब देखिए इसकी भी स्पेलिंग सेम है इसकी भी स्पेलिंग सेम है ये मैं पढ़ रहा हूँ तो ये भी बैंक पढ़ रहा हूँ ये भी बैंक पढ़ रहा हूँ पढ़ने में भी दोनों सेम है डिफरेंट क्या है एक बैंक होता है जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं एक बैंक होता है नदी का किनारा समुंदर का किनारा या किसी के झील जी, का किनारा तट को कहते हैं हम ठीक है समुंदर का तट जो होता है हम कहते हैं ना तट पर तट पर नाव खड़ी है या बैंक पर नाव खड़ी है या बैंक उस समुंदर के बैंक पर तो बैंक का मतलब क्या होता है किनारा अब दोनों का मीनिंग अलग है एक जगह हम पैसे जमा करने आते हैं उस बैंक की बात हो रही है एक जगह जो समुद्र का किनारा या नदी का किनारा होता है उसे कहते हैं है किनारे को दोनों की स्पेलिंग सेम है दोनों को पढ़ने में भी सेम है बस मीनिंग अलग है तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं होमो क्या कहते हैं हम होमो ठीक है उसके बाद आया हमारा अ पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ हंड्रेड ईयर्स और मोर वो आदमी जिसकी उम्र सौ साल की हो गई हो या उससे ज़्यादा हो गई हो तो उन्हें हम उन आदमियों को उन औरत को मतलब जो भी इंसान है उसे हम क्या कहते हैं सेंटेनेरियन क्या कहते हैं सेंटेनेरियन सेंची सेंचुरी होता है मतलब सौ साल हम कहते हैं अगर एक सेंचुरी मारी ठीक है हम कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी मार दी यानी उसने सौ रन मार दिए एक सेंचुरी मतलब सौ रन दो सेंचुरी मतलब दो सौ रन तो सेंटेनरी सेंटेनेरियन इसी वर्ड से बनाए सौ साल या सौ साल से ज़्यादा का अगर उम्र का कोई आदमी होगा ठीक है या तो फिर सौ साल का हो या सौ साल से ज़्यादा उम्र है उसकी तो उसे हम क्या कहते हैं सेंटेनेरियन फिर सिक्स आया हमारा डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड वो वर्ड वो वो शब्द या वो कुछ भी चीज़ ऐसी लिखी हो जो कि बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट हो बहुत मुश्किल हो या तो फिर उसे पढ़ना इम्पॉसिबल हो मतलब इतनी बेकार कंडीशन में हो पहले तो हम इसका देखते हैं आंसर क्या है इसका आंसर है एलिजिबल तो एलिजिबल उसे कहते हैं जो कि इतनी ख़राब कंडीशन में हो जिसे पढ़ना या ये समझ ली पढ़ना या उसे देखना भी इम्पॉसिबल होता है कि वो क्या लिखा है ठीक है पर इंसान तो बाद में पढ़ेगा जब उसे समझ में ही नहीं आएगा तो इलिजिबल ऐसे ऐसी चीज़ को कहते हैं ऐसी रिटन चीज़ को कहते हैं लिखी हुई ऐसी मतलब ऐसी लिखावट जो कि आपको पढ़ना मुश्किल तो छोड़िए इम्पॉसिबल है आप पढ़ ही नहीं सकते हम ये भी नहीं कह सकते कि मुश्किल से आप पढ़ लेंगे इतनी बेकार कंडीशन में होता है कि उसे पढ़ ही नहीं सकते तो ऐसी 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 लिखावट को हम क्या कहते हैं एलिजिबल जो जिसे हम पढ़ ना सकें लाइकली टू बी ईज़िली बन वो चीज़ क्या होती हैं जो बहुत आराम से जल जाती हैं मतलब हल्के ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है बस आराम से उसमें हमने फायर दी आग दी फ़ौरन बर्न हो गई जलने लगी तो उसे हम क्या कहते हैं इनफ्लेमेबल जैसे हमारा क्या है पेट्रोल डीज़ल कैरोसिन ठीक है आप एक लकड़ी ले लिए उसमें माचिस लगाइए तो थोड़े टाइम लगेगा उसे जलने में ठीक है तो और अगर आप पेट्रोल ले लिए या कैरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है वो ले लिए डीजल ले लिए उसमें क्या करिए दो बूंद भी गिरा दिए आप अगर कहीं भी और वहाँ पर माचिस लगा दिए तो फ़ौर दो मिनट क्या एक सेकेंड में आग लग जाएगी तो वो ज़्यादा इनफ्लेमेबल हुई हमारी क्या पेट्रोल और लकड़ी जो हुई हमारी वुड जो हुई वो उससे कम इनफ्लेमेबल हुई तो जो ईजिली बर्न हो जाती हैं फ़ौर के फ़ौर जल जाती हैं फ़ौर आग लग जाती है जिनमें उन्हें हम क्या कहते हैं इनफ्लेमेबल ठीक है कहते हैं इनफ्लेबल इनफिलेबल फिर है हमारा आठवां वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड वो आदमी जो किसी गॉड में नहीं बिलीव करता मतलब कोई मज़हब नहीं होता ना भगवान ना अल्लाह ना मतलब जो क्रिश्चन हिंदुज मुस्लिम्स ईसाई सिख किसी मज़हब को नहीं मानता वो मानते ही नहीं है कि गॉड होते हैं वो सोचता है कोई सुपर पावर है ही नहीं गॉड है ही नहीं कोई खुदा है ही नहीं ठीक है कोई भगवान है ही नहीं तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं एथीस्ट ठीक है आपने सुना होगा नास्तिक नास्तिक वर्ड सुना होगा हिंदी में तो इंग्लिश में क्या कहते हैं हम उन्हें एथीस्त वो लोग जिन्हें भगवान पर खुदा पर भरोसा मतलब भरोसा क्या वो सोचते हैं कुछ है ही नहीं ऐसा कोई होता ही नहीं है वो लोग ये सोचते हैं ठीक है थीके? देखने की बात अलग है सोचने की बात अलग है उनका तो डायरेक्ट यही है कि वो कुछ होता ही नहीं है भगवान भगवान सिर्फ इंसान है वही मर जाएगा ऐसा सोचते हैं वो लोग उन्हें हम क्या कहते हैं एथीस्ट वो सब क्या क्या हैं एथीस्त फिर नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इंटू शेप्स रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट आपने कई बार सुना होगा ओरिगामी तो ओरिगामी क्या होता है आपने देखा होगा कि आपकी जो ड्राइंग बुक होती है आर्ट की बुक होती है उसके लास्ट में स्क्वायर पीस के कलरफुल पेपर होते हैं जिसे हम क्राफ्ट uh, पेपर कहते हैं तो क्राफ्ट पेपर आपने खरीदे होंगे उससे चुड़िया बनाई होगी उससे खरगोश बनाया होगा नाव बनाई होगी अलग अलग तरह के उससे जहाज़ बनाए होंगे तो पेपर को फोल्ड करके ऐसी आर्ट जिसे पेपर को फोल्ड करके अलग अलग शेप बनाते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये चाइना से शुरू हुआ है ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं शायद हैंडी कहते हैं आई थिंक ठीक है हम आर्ट में करते थे आर्ट में आपने करा होगा जब आर्ट की बुक में लास्ट में होता है कि वहाँ पर बना हुआ भी आता है और आपको बताया होता है कि पेपर को पहले ऐसे मोड़ो तो ऐसे मोड़ो फिर ऐसे मोड़ो जैसे चुड़िया बन जाएगी ऐसे बर्ड बन जाएगी ऐसे खरगोश बन जाएगा ऐसे डॉग बन जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं ओरिगामी ये आर्ट ये कला इसे क्या कहते हैं ओरिगामी ये चाइना से है वर्ड देखिए वर्ड भी है यही है दसवां क्या है लास्ट हमारा वन हु इज़ सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड वो आदमी जो पूरे वर्ल्ड का सिटीज़न हो उसे क्या कहते हैं वो जो वर्ल्ड का सिटीज़न हो उसे हम क्या कहते हैं कॉस्मोपोलाइट उसे हम कहते हैं कॉस्मोपोलाइट जो वर्ल्ड का सिटीज़न हो ठीक है तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स कलेक्टिव टर्म्स अब कुछ कलेक्टिव टर्म्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं मतलब जैसे आपने सुना होगा ग्रुप ग्रुप वर्ड सुना होगा एक आदमी को नहीं कहते ग्रुप ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ जैसे मैं कहूँ ग्रुप ऑफ पीपल पीपल ही खुद एक ग्रुप हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन ग्रुप ऑफ मैन ग्रुप ऑफ वुमेन मतलब झुंड को ग्रुप कहते हैं ऐसे कलेक्टिव टर्म अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं अब वही यहाँ पर बताएंगे हम यहाँ पर है पहले हेडिंग देखी गया है सम स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउंस रिफर टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स फिल इन द ब्लैंक्स दैनस फिजुबल कलेक्टिव अनाउंस अब ये कह रहे हैं कलेक्टिव नाउन अलग अलग पर्टिकुलर ग्रुप को दिए जाते हैं जानवरों को एनिमल्स को चीज़ों को अलग अलग उन्हें नाम दिया जाता है कलेक्टिव नाउन तो उन कलेक्टिव नाउन को यहाँ पर आपको फिल करना है पहला क्या है अ डैश ऑफ लेडीज़ तो औरतों के झुंड को औरतों के ग्रोह को औरतों के ग्रुप को क्या कहते हैं हम बेबी क्या कहते हैं बेबी अ बेबी ऑफ लेडीज़ अगर मैं कह रहा हूँ लेडीज तो औरतें समझ गया मैं मगर अब बेबी ऑफ लेडीज मतलब खूब सारी औरतें एक जगह इकट्ठा हैं तो हम उसके लिए कैटर्म यूज करेंगे कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन क्या होगा बेबी ठीक है अ डैश ऑफ थीव, थीव, थीव तो जो थीव के ग्रुप के लिए वर्ड यूज होता है वो क्या होता है गैंग अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेटेलाइट कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेटेलाइट सेटेलाइट केइट का जो ग्रुप होता है खूब सारे सेटेलाइट को हम मिलाकर कलेक्शन को क्या कहेंगे उसका कलेक्टिव नाउन क्या होगा कॉन्स्टिलेशन फिर आया हमारा अ क्लच ऑफ चिकन तो चिकन क्लच क्या होता है मेनली क्लच तो हम जब कहते हैं जैसे कि क्लच का मतलब तो होता है जकड़ लेना ठीक है जकड़ लेना क्लच का मतलब अगर देखें तो जकड़ लेना और यहाँ पर क्लच ऑफ़ चिकन का मतलब क्या है जब खूब सारी मुर्गियाँ एक साथ एक जगह बैठकर अंडे देती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं क्लच ऑफ़ चिकन अब यहाँ पर देखिए इन्होंने ग्रुप में आपको खूब सारे अंडे भी दिखाए हैं फ़ोटो में ठीक है तो ऐसे ही हम कहते हैं क्लच ऑफ चिकन फिर हमारा आया अशोल ऑफ फिश तो शोल ऑफ़ फ़िश में क्या है ग्रुप ऑफ़ फ़िश जब एक साथ मूव कर रही होती है पानी के अंदर तो उसे हम क्या के कहते हैं शोल ऑफ़ फ़िश तो आपने देखा भी होगा जब बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने आती हैं तो वो क्या करती हैं आपस में खूब सारी मछलियाँ मिलकर उस बड़ी मछली के बराबर या उससे भी बड़ी बन जाती हैं तो बड़ी वाली मछली क्या सोचती है कि ये तो बहुत बड़ी मछली है और डर के उन्हें छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो अगर अकेले अकेले होंगी तो क्या होगा वो सब सबको खा जाएगी और जब वो सब छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन जाती हैं और क्या होती है बड़ी वाली समझती है कि ये तो बहुत बड़ी है तो चली जाती है ठीक है तो उसे कहते हैं हम ग्रुप को क्या कहते हैं शोल ऑफ सेलर झुंड जो सेलर होते हैं जो नाह मतलब सेल कर, सेल करना आ, या सेलर तो मतलब ये होता है जैसे कि आपने सुनी होगी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन अगर देखी होगी तो सेलर उन्हें है कहते हैं जो जहाज लेके मतलब जो पायलट होता है जहाज का ठीक है कैप्टन जिसे हम कहते हैं तो सेलर के ग्रुप को जैसे एक झुंड में खूब सारे बड़े बड़े पानी के जहाज जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे क्रियू ठीक है फिर आया ऑफ क्या होता है तो क्यूवर होता है हमारा एरो जिसमें रखे जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि तीर कमार चलाने वाले पीछे अपने कंधे पर एक जैसे पतला सा गमला टाइप का डालते हैं इस तरह से होता है जिसके अंदर बाण रखे जाते हैं सॉरी तीर रखे जाते हैं ऐसे करके एक डब्बा सा होता है गोल सा ऐसे फिर ये कंधे से बांध दिया जाता है और इसके अंदर ऐसे करके यहाँ पर तीर होते हैं आपने देखे होंगे ठीक है आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर तीर होते हैं रखे होते हैं इसे कहते हैं कीवर ठीक है तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन यूज़ हुआ है किसके लिए एरोज के लिए फिर आया हमारा अ अचोरस ऑफ एंगल्स ठीक है एनजिल्स के चोर एंगल्स के ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं हम चोरस या कोरस पढ़ सकते हैं इसे नॉट चोरस इट्स कोरस फिर ग्रुप ऑफ बर्ड्स खूब सारी चिड़ियाँ जब होंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे क्या कहेंगे हम फ्लॉक अ फ्लॉक ऑफ बर्ड एफ एल ओ सी के फ्लॉक मंकी अब जो बंदर होते हैं खूब सारे बंदर एक जगह अगर बैठे हैं तो हम एक वर्ड यूज़ करने के लिए उन्हें क्या कहेंगे ट्रूप ट्रूप ऑफ मंकी यानी बंदरों का झुंड फिर आया हमारा अ फैकल्टी ऑफ एकेडमी एकेडमिक ठीक है अब ये ऐसी फैकल्टी हम फैकल्टी वर्ड यूज करते हैं अलग अलग एकेडमी जब मिलती हैं तो उसने क्या यूज़ करते हैं फैकल्टी अ सेट ऑफ एग्स बन, जैसे हम कहें खूब सारे अंडे रखे हैं तो सेट ऑफ एग अ सेट ऑफ बुक्स ऐसे हम अलग अलग वर्ड भी यूज़ करते हैं फिर आर्किफोलॉजी ऑफ आइलैंड खूब सारे आइलैंड को मिला दें तो उनके लिए कलेक्टिव नाउन क्या यूज़ होता है आर्कीफोलॉजी क्या यूज़ होता है आर्कीफोलॉजी ए आर सी एच आई पी एच ई -E एल ओ जी जी ओ आर्कीफलॉजी फिर अ ड्रॉप ऑफ कैटल कैटल कहते हैं वो चार पैर वाले जानवर ठीक है जो घास चढ़ते हैं मेनली गाय भैंस ये सब कैटल में आ जाते हैं ठीक है तो इनके ग्रुप को क्या कहते हैं हम ड्रॉव डी आर ओ वी ई -E, ड्रॉव फिर आया हमारा नेक्स्ट वर्शिपर्स जो वर्शिप करने वाले होते हैं पूजा करने वाले होते हैं इबादत करने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्शिपर्स उनके ग्रुप को क्या, क्या कहते हैं हम कॉन्ग्रीगेशन ठीक है जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा जमात तो जमात ग्रुप को कहा जाता है जमात का मतलब होता है इकट्ठ ग्रुप जमात का मतलब क्या होता है ग्रुप गिरोह ठीक है फिर क्या हुआ अ ट्राइब ऑफ गॉड्स जब बकरियां गॉड्स एक जगह झुंड में खड़ी हैं तो उनके लिए उनका कलेक्टिव नाउन क्या होगा ट्राइब फिर है हमारा अ गैलेक्सी ऑफ स्टार आपने सुना होगा जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे तो ऐसी गैलेक्सी किसे कहते हैं जहाँ पर खूब सारे अलग अलग तरह के स्टार्स हों गैलेक्सी ऑफ स्टार्स स्टार्स के झुंड को फिर यहाँ पर था अ वेड ऑफ मंकी मगर ये वेड वर्ड गलत है मंकी के झुंड को वेड नहीं कहते हैं तो ये गलत वर्ड है जिसे काट दिए ठीक है और रिपीट भी हो रहा है तो हमने इसे काट दिया है फिर नाइनटीन है अ हाइव ऑफ बीज आपने सुना होगा मधुमक्खी कहाँ पर रहती हैं अपने छत्ते में रहती हैं तो छत्ता जो है मधुमक्खी के कलेक्टिव नाउन को डिफाइन करता है कि ये पूरा ग्रुप है फिर आया अ परेड ऑफ़ एलिफेंट एलिफेंट के लिए एलिफेंट जब खूब सारे एक साथ मूव कर रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि ये परेड ऑफ़ एलिफेंट है मतलब एलिफेंट के लिए कलेक्टिव नाउन यूज़ कराता है ठीक है उसके ग्रुप के लिए अ परेड ऑफ एलिफेंट ठीक है पी ए आर ए डी ई परेड एक बार देख लिया आप ठीक है पहला क्या है बेबी दूसरा है गैंग कॉन्स्लेश क्लच शोल एस एच ओ ए एल शोल क्रियू क्यूअर ठीक है फिर यहाँ पर कोरस फ्लॉक ट्रूप फैकल्टी सेट आर्फलॉजी आर्किफिलोजो सॉरी फिलेगो इट्स फिलेगो पी एच ई एल ए जी ओ आर की फी लेगो ड्रॉव फिर कॉन्ग्रीगेशन फिर क्या है ये ट्राइब गैलेक्सी गैलेक्सी भी आपने सुना होगा पीछे कॉन्स्टिलेशन सुना होगा क्रियू सुना होगा कई बार फ्लॉक सुना होगा ट्रूप सुना होगा हाइफ सुना होगा हाइफ तो हम किसे कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता होता है परेड सुना होगा आपने देखा होगा स्कूल में परेड होती है तो परेड पूरा कल ऐसी ग्रुप होता है तो ऐसी एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं हम उसके लिए कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं परेड ठीक है यहाँ पर आपको ये सब दिया हुआ है देखिए क्रियू यहाँ पर आपको हेड ये दिया हुआ है क्रू सेट फ्लॉक हाइव ड्रॉप कोरस क्लच क्यूअर बेबी शॉल ट्रूप आर्की फिलॉजी आर की फिलॉग इट्स नॉट फिलोगी परेड कॉन्ग्रीगेशन फैकल्टी ट्राइब गैलेक्सी कॉन्सलेशन गैंग और वेड वेड डटा दिए ये हमने काट दिया है फिर आया हमारा न्यू वर्ड्स अब ये क्या है पेज नंबर ट्वेंटी सेवन ओपन करिए न्यू वर्ड्स देखिए पेज नंबर ट्वेंटी सेवन ठीक है अब ये हमें क्या करना है यहाँ पर सबके आगे पहले तो यहाँ पर हमारे अनजम्बिल वर्ड हैं मतलब इधर उधर मिक्स कर रखे हैं वर्ड उन्हें हमें सही करना है उसके साथ हमें डल एल मिलाना है मतलब बीच में आगे पीछे कहीं भी मिला दिए एल और एक नया वर्ड बनाना है ठीक है एट डबल एल टू ईच वर्ड बिलो एंड रीअरेंज द लेटर टू स्पेल पे न्यू वर्ड ये कह रहे हैं इस डबल एल को हर वर्ड में जोड़ो और एक नया वर्ड बनाओ जैसे यहाँ पर क्या लिखा है ए आई वी एन आई और प्लस डबल एल तो इन्होंने क्या बना दिया वी आई डबल एल ए आई एन विलन फिर आया हमारा आई एस के एल तो आपको देख के पता चल रहा होगा स्किल बन सकता है यहाँ पर एस के आई डबल एल स्किल फिर ऐसी है एन ओ आई टी ओ पी ओ तो पी ओ डबल एल यू टी आई ओ एन पॉल्यूशन पी ओ डबल एल यू टी आई ओ एन पॉल्यूशन बन गया है यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एक्सीलेंट बन जाएगा ये ई एक्स सी ई डबल एल ई एन टी एक्सीलेंट ठीक है ऐसा हम बस नए वर्ड बना रहे हैं डबल एल को यूज़ करके और इन्हें आगे पीछे करके फिर आया रेट फो तो रेट फो लिखा है ये तो हम कर देंगे फोरटेल एफ ओ आर फोर टी ई एफ ओ आर फोर टी ई डबल एल फोर टेल ठीक है एफ ओ आर फोर टी ई डबल एल फोर टेल ठीक है उसके बाद आते हैं हम बी यू आर एम ई ए और डबल एल दिया है तो आप इसे देख सकते हैं हम इसे अमरेला e, e, देख सकते हैं यू एम बी आर ई डबल एल ए अमरेला यू एम ई ज़रूरी नहीं है डबल एल हम लास्ट में यूज़ करें बीच में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है यू एम बी आर ई e, डबल एल ए अमरेला फिर आया हमारा थायरिंग तो इसे हम बना सकते हैं थ्रिलिंग यानी कापना कप कपाना टी एच आई आर आई डबल एल आई एन जी थ्रिलिंग फिर आ गया हमारा ई जी एल आई ए और डबल एल तो इससे हम बना सकते हैं illegal ठीक है जो इलीगल हो आई डबल एल ई जी एल L illegal फिर आया हमारा brilliant ठीक है बी आई आर आई एल आई ए एन टी brilliant ठीक है क्या हो गया हमारा ये ब्रिलियन बी आर डबल बी आर आई बी आई आर आई बी आर आर आई बी आई आर आई डबल एल होगा यहाँ पर बी आर आए, बी आर आई बी आई और आर आई डबल एल आई ए एन टी ब्रिलियंट और यहाँ पर हमारा फोर्टेल में एफ़ ओ आर ई होगा फोर्टेल एफ ओ आर ई टी ई डबल एल फोर्टेल ठीक है फोर्टेल, ल, फोर्टेल और यहाँ पर हमारा ब्रिलियंट बी आई आर आई डबल एल आई ए एन टी ब्रिलियंट ठीक है एक मिनट इसे हम साफ़ ही कर देते हैं क्या है हमारा ये ब्रिलियंट ठीक है तो इसे आप ठीक कर लिए बी आई आर आई ब्री डबल एल आई ए एन टी ब्रिलियंट फिर नेक्स्ट है हमारा ओ एन सी टी एल ए ई बी ओ आर डबल एल ठीक है तो ये हमारा देखिए इसके हम वर्ड्स को मिलाकर सी ओ एन टी आर ओ कंट्रोल और डबल एल ए बी एल ई कंट्रोलेबल जो हम कंट्रोल कर सकें कंट्रोलेबल का मतलब ये होता है मतलब हम यहाँ पर नए नए वर्ड बना रहे हैं आप इन्हें याद ही कर लिए मेनली क्योंकि इतने आगे पीछे वर्ड हैं अगर हम पहली बार देखेंगे तो इतना आसान नहीं है इन्हें बनाना मगर अब जब एक बार आप इसे रीड कर लेंगे तो आपको याद रहेगा वैसे ही यहाँ पर है तो इससे बना एक लुलाबी फिर यहाँ पर नेचुरल ये तो ईजिली इंसान देख के समझ सकता है कि इससे हम नेचुरली वर्ड बना सकते हैं ठीक है तो इससे क्या बना सकते हैं नेचुरली एन ए टी यू आर ए डबल एल वाई नेचुरली फिर आया हमारा ई एन एस यू डबल एल तो हमारा क्या हो गया अनसेल ठीक है यू एन एन एस ई डबल एल अनसेल फिर आया हमारा डी यू ए डी आर डबल एल तो यहां पर हम बना सकते हैं इससे क्या डी यू डबल एल ए आर डी डूलर्ड ठीक है क्या बना सकते हैं डूलर्ड फिर है हमारा टी ओ एन ई एस एम आई डबल एल तो इससे हम क्या बना सकते हैं मिल स्टोन मिलस्टोन से सुना ही होगा आपने पहले नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर ट्वेंटी एट ये हमारा लास्ट है आई थिंक चैप्टर पार्ट नंबर फाइव का ठीक है फिर नेक्स्ट पार्ट सिक्स हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो लास्ट देखिए हमारा क्रॉस क्वेज अब क्रॉस कोइज़ तो आपने ये पहले भी करे होंगे ये क्या होता है इसके क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें रीड करके हमें इसे सिंपल फिल करना है ट्राई टू सॉल्व दे दो यहाँ पर दिए हुए हैं न फिल करना है पहले क्वेश्चन देखिए डाउन वाले मतलब जितने भी डाउन वाले हैं उसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका इट कैन बी क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर यू गीव डॉक्यूमेंट ऑन इट ये कंप्यूटर पे क्रिएट किया जा सकता है इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट रखते हैं तो आपने पहले भी पढ़ा होगा हम इसे फ़ाइल कहते हैं क्या कहते हैं फ़ाइल तो पहला वाला क्या है हमारा डाउनवर्ड ऐसे फाइल एफ आई एल ई फाइल क्या हो गया एफ आई एल ई फाइल ठीक है देख लिए फाइल फिर उसके बाद दोस्त तीसरा क्या है इसमें थर्ड वाला टू बी क्विक एंड रेडी टू गिव अ क्लू क्लू देने के लिए क्विक और रेडी है ना उसे हम क्या कहते हैं थर्ड वाला कहाँ है हमारा ये भी डाउनवर्ड है तो थर्ड वाला देखिए हमारा थर्ड ये है इसे हम कहते हैं प्रोम्ट पी आर ओ एम टी प्रोम्ट फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ अ कार्ड एंड अनिटर्नेबल सर्व इन टेनेस एक ऐसा सर्विस या ऐसा सर्व करना टेनिस के अंदर जो अनरिटर्नेबल हो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं फोर्थ वाला कहाँ है हमारा इसे हम कहते हैं एस ए सी ई एस एस फोर्थ वाला ऐसे ठीक है ये ऐसे हमारा टू है ये हमारा फोर्थ है फोर्थ हमने ऐसे क्यों नहीं लिया क्योंकि हम डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं लिखा है ना यहाँ पर डाउन फिर नेक्स्ट हमारा आयास्थ टू बी रेकलेस कैन बी एन एलर्जी रेकलेस होता है वो और एक एलर्जी भी हो सकती है तो आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा सिक्स वाला तो यह क्या हो गया हमारा रैश आपने सुना होगा हो जाती है, खुजली हो जाती है हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो वही हो गया हमारा क्या हो गया आर ए एस एच रैश ठीक है एक मिनट अब दिख रहा होगा आपको आर ए एस एच रैश फिर नेक्स्ट आया हमारा ट्री आट्री वाटा फायर लीव्स बिहाइंड एक पेड़ मतलब वाटा फायर लीव्स बिहाइंड जब आप उसे जला देते हैं तो उसके बाद जलने के बाद क्या बचता है उसके बाद तो ऐश यानी राखें बचती है ना राखी तो बचती है जब हम जला देते हैं तो इसका क्या होगा हो टेंथ वाला कहाँ है हमारा टेंथ वाला यहाँ है ठीक है हो गया एस ठीक है जब हम उसे जला देते हैं तो हमारा क्या बचता है राख ही तो बचती है जब हम उसे जला देते हैं पूरा मतलब जैसे आप कभी लकड़ी जलाते हैं तो आपको क्या बचेगा तो राख बचेगी तो वही कह रहे हैं वाट अ फायर लीव्स बिहाइंड आग जलाने के बाद उसके बाद क्या रह जाता है क्या बच जाता है ठीक है तो इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है इसे एच कर ली एश मतलब राख फिर नेक्स्ट आया हमारा एक्सीडेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट तो आपने सुना होगा थर्टीन जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है एयरक्राफ्ट का मतलब प्लेन जो है उसका एक्सीडेंट होता है हम क्या कहते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया तो आपने कई बार कई बार ये वर्ड सुना होगा कि क्रैश हो गया प्लेन क्रैश हो गया तो क्या कहते हैं उसे क्रैश तो यहाँ पर थर्टीन वाला है हमारा ऐसे डाउनवर्ड सी आर ए एस एच क्रैश उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया अब एक मतलब ऐसे, ऐसे ऐसे वाले सारे देखेंगे ऐसे ऐसे जो वाली जो है हमारी ये 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 और ये ऐसे ये सब हमारा क्या है एक्रॉस अब इसमें पहला क्या है अ फ्रूट डेट रिमाइंड एस कंप्यूटर ब्रांड ऐसा फल जिससे हमें किसी कंप्यूटर की ब्रांड और अब तो मोबाइल भी चलते हैं उसके तो उसकी हमें कंपनी का नाम उसका ब्रांड पता चलता हो तो आपने कई बार सुना होगा एप्पल के कंप्यूटर एप्पल के मोबाइल फ़ोन तो कंप्यूटर की ब्रांड पता चल रही है क्या नाम है उसका ऐसे फ्रूट का उस फल का क्या नाम है एप्पल तो इसमें क्या है दूसरा वाला दूसरा क्या है हमारा ये रहा हमारा सेकेंड ये हो गया हमारा ए डबल पी एल ई एपल ठीक है फिर आया हमारा फिफ्थ इट मीन टू रेनफोर्स टू मेक स्ट्रॉगर और अ डिवाइस डेट क्लेम्स थिंग टूगेदर ऐसा डिवाइस दो तो चीज़ों को टुगेदर इकट्ठा करके रखता है और स्ट्रॉगर बना के रहता है इसका मतलब होता है टू रेन टू मेक स्ट्रॉगर उसे मज़बूत बना किसी चीज़ को मजबूत रखना स्ट्रोंगर रखना और एक ऐसा डिवाइस जो चीज़ों को इकट्ठा करके रखता है टुगेदर तो उसे हम क्या कहते हैं फिफ्थ वाला हमारा क्या है ब्रेस ये रहा हमारा ब्रेस ठीक है झगड़ के रखना ये हमारा एक डिवाइस होता है ठीक है क्या हो गया फिफ्थ ब्रेस फिर आया हमारा सेवन्थ सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी तो आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस होते हैं वो एक गले में लॉकेट टाइप का पहनते हैं या उनके घरों में या वैसे भी जिसकी जो उनका सिंबल होता है एक तो उस वो क्या होता है क्रिश्चियनिटी का सिंबल क्या होता है एक क्रॉस बना होता है ऐसे करके क्या होता है वो क्रॉस तो सेवन्थ वाला क्या है हमारा ये रस क्रॉस सी आर ओ डबल एस क्रॉस एट क्या है कंक्लूजन टू लिव विद इन वंस इनकम इज टू मेक दीज मीट अब ये क्या है भैया तो एट वाला कहाँ है हमारा एंड्स मतलब टू लिव विद वंस इनकम इज टू मेक दिस मीट मतलब सारी मीट्स को एक ही इनकम में एक ही इनकम में रहना एक ही इनकम जो हमारी इनकम है उसी पर ही सारी अपनी ख्वाहिशें पूरा करना उसे हम क्या के कहते हैं एंड्स आखिर ठीक है एंड्स खात्मा फिर है हमारा नाइन्थ सेलर अ शिप जहाँ पर सेलर जो होते हैं वो अपनी शिप लगाते हैं ठीक है उसे हम क्या के कहते हैं मतलब जो शिप ग्रुप जो होता है सेलर्स का उन्हें हम क्या के कहते हैं नाइन्थ वाला हमारा क्या है क्रियू सी आर ई डब्ल्यू क्र्यू फिर हमारा टेंथ आया यहाँ नाइन्थ वाला आपने देख लिया ना सेलर मैनिंग शिप यहाँ पर हमारा क्र्यू फिर हमारा टेंथ एलेवेंथ आया जापानस पार्लियामेंट कंट्रोलिंग इनटेक ऑफ फूड जापानस का पार्लियामेंट जो कंट्रोलिंग करता है इनटेक ऑफ फूड उसे हम क्या के कहते हैं एलेवेंथ वाला डाइट तो डाइट सब एक वर्ड आपने सुना होगा जिसमें इंसान सफ़िशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेता है जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहे ठीक है थोड़ा सा विटामिन थोड़ा सा मिनरल्स थोड़ा सा कैल्शियम थोड़ा सा कार्बन कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें लेना मिनरल मतलब एडिकुएट अमाउंट में अगर हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उस डाइट को हम क्या कहते हैं बैलेंस डाइट आपने सुना होगा फिर हमारा शुरू हुआ ट्वेल्थ सीज टू स्लीप हम जब रुक सोना छोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं वेक यानी जगना वेक सीज टू स्लीप सोने को रोक देना रुक देना शीज कर देना उसे हम क्या कहते हैं वेक जैसे आपने सुना होगा वेक अप मतलब जग जाओ उठ जाओ तो वही वर्ड ये वेक जगना ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ ये पार्ट नंबर फिफ्थ कंप्लीट हो गया क्रॉस क्विज तक नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे हमारा ये है पार्ट नंबर सिक्स में बुक्स एंड ऑथर यहाँ से स्टार्ट होगा ट्वेंटी थ्री से तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर सिक्स पेज नंबर चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू तक कंप्लीट हो गया आपको मैं एक बार सिलेबस इसका दिखा देता हूँ नेक्स्ट टाइम हमें क्या पढ़ना है और आज हमने क्या पढ़ा है आज हमने पढ़ा है पार्ट नंबर फाइव में चैप्टर नंबर एट्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू क्रॉसवर्ड को इस तक अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर सिक्स में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट बार नेक्स्ट टाइम ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ये पाँच चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट नंबर सिक्स में जिसमें आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है अब हमारा रह गया है पार्ट सिक्स और पार्ट सेवन ठीक है सिर्फ पार्ट फाइव सिक्स और सेवन यही आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है तो नेक्स्ट टाइम हम इसका पढ़ेंगे आज हमने ये पढ़ लिया थैंक यू अस्सलामुअलैकुम